अभी हम यूटिलिटी ये कंसेप्ट देखने वाले हैं। 10 में से 9 लोग ये कंसेप्ट को गलत मीनिंग निकालते हैं, इंटरप्रेट निकालते हैं। कई बार यूटिलिटी जो है, आपने कैडबरी खाया, आपको अच्छा लगा तो आप बोलते हो यूटिलिटी है, लेकिन इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी का मीनिंग एकदम क्लियर है। लेट अस अंडरस्टैंड क्या बोलना चाहते हैं। कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। मैं इसके कम से कम 8 से 10 एग्जाम्पल लूंगा एक कंसेप्ट बताने के लिए। 12th में सेकेंड नंबर का चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस, पूरा एक चैप्टर है यूटिलिटी का। तो यहाँ पे आपको सिर्फ कंसेप्ट है, 12th में पूरा एक चैप्टर है, तो यूटिलिटी का समझना बहुत जरूरी है। लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल। आपको भूख लगी है, आप मैकडोनल्ड्स गए, आपने बर्गर खाया, बड़ा बर्गर खाया, महाराजा मैकवेजी, जो मैक चिकन जो है खाया, क्या आपका पेट भर गया? तो आपने 2 बर्गर खाया तो आपका पेट भरा, यस। तो क्या बर्गर में क्षमता है तुम्हारे भूख पूरा करने की? द आंसर इज यस। तो बर्गर में यूटिलिटी है। अक्सर लोग यूटिलिटी को दिमागी फीलिंग मांगते हैं। सो बर्गर में क्षमता होना, आपको लिखना है, आप एग्जाम्पल लिख रहे हो, क्या आपको लिखने की जो इच्छा है आपकी पेन वो इच्छा पूरी कर रही है? तो आपकी पेन में यूटिलिटी है। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3, आपको मोबाइल में व्हाट्सएप मैसेज भेजना है, क्या मोबाइल में वो क्षमता है? यस, तो मोबाइल में यूटिलिटी है, लेकिन आपका बैटरी डिस्चार्ज हो गया है, 0 हो गया है, और आपका आप क्लास में आए हो, चार्जर घर पे है, तो अभी उस मोबाइल में यूटिलिटी नहीं है। आपको इच्छा हो रही है आइसक्रीम खाने की, आपने अमूल का आइसक्रीम कोन लिया और खाया, आपको बहुत खुशी हुई, क्या ये खुशी यूटिलिटी है? नो। जॉय हैप्पीनेस ये मेंटल फीलिंग है। आपको आइसक्रीम खाने की इच्छा थी, क्या ये इच्छा उस आइसक्रीम ने पूरी की? यस, तो आइसक्रीम में यूटिलिटी है। आपको घर से क्लास में आना था, क्या वो गाड़ी में आपकी क्षमता था वहां से यहाँ पे आने की? यस, तो उस गाड़ी में यूटिलिटी है। मैं IGCSE का जो बुक है कैम्ब्रिज का, उसमें लिखा था यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, वो कैसे हो सकता है? उन्होंने गलत लिखा हुआ है। एक्चुअली यूटिलिटी वस्तु में होता है, आपके सेटिस्फेक्शन, जॉय, यूजफुलनेस, हैप्पीनेस, प्लेजर, ये यूटिलिटी नहीं है, ये आफ्टर इफेक्ट ऑफ कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट है। तो बुक में गलत लिखा था। सो बोलने का तात्पर्य, आपको ठंडी लग रही है, आपने स्वेटर पहना, तो आपको ठंड ना लगे वो इच्छा पूरी करता है, बाद में अच्छा लगा बुरा लगा, नो, दैट इज नॉट यूटिलिटी। आपको कंसेप्ट समझ में आया? तो उस वॉन्ट, आपकी जो इच्छा है वो कमोडिटी पूरा करता है। तो यूटिलिटी कमोडिटी में होता है, इंसानी दिमाग में नहीं। तुम्हारी इच्छा होना और उस वस्तु में क्षमता। अच्छा, आपको गाना सुनना है, आपका एयरपॉड आपने लगाया, गाना शुरू हो गया, तो क्या एयरपॉड में आपके यूटिलिटी है? द आंसर इज यस। अब वो मजा आ रहा है गाना सुनने, नहीं मजा आ रहा है, वो यूटिलिटी का कंसेप्ट नहीं है। आपको सुनना था गाना, वो एयरपॉड्स या जो ईयरफोन में क्षमता है, यस, तो उस ईयरफोन में यूटिलिटी है। प्लेजर, जॉय, हैप्पीनेस, सैडनेस, वो सब यूटिलिटी नहीं है। इसका और डिटेल जैसे मैंने बताया 12th में आएगा। तो ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।